हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज एंड बेबीज फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी मसाज के बारे में जी हाँ फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करने वाले कि हमें बच्चे की किस उम्र से मसाज करना शुरू कर देना चाहिए यानी कि हमारा बच्चा कितने दिन का हो जाए जिसके बाद कि हम बेबी की मसाज करना शुरू कर दें इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें बेबी की किस एज तक मसाज करनी चाहिए यानी कि बच्चे को कब तक हम मसाज दें जिससे कि बच्चे की ग्रोथ पर कोई असर ना पड़े और उसकी ग्रोथ एकदम से अच्छे से हो इसके अलावा फ्रेंड्स हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें बच्चे की मसाज करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन कौन से ऑयल हैं जिनसे हम बच्चे की मसाज दें तो वो हमारे बच्चे के लिए अच्छे रहें तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो आप एंड तक देखिएगा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के बहुत सारे बेबी केयर टिप्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो फ्रेंड्स आइए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में तो फ्रेंड्स बेबी मसाज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि हमें बच्चे कितने दिन का हमारा बच्चा हो जाए तब से हमें मसाज शुरू कर देनी चाहिए तो फ्रेंड्स मैं ऐज की बात करूँ तो आप मसाज पाँच दिन के बच्चे को भी कर सकते हो या फिर आप पच्चीस से तीस दिन के बच्चे की भी मसाज शुरू कर सकते हो लेकिन हाँ हम अक्सर एक दो हफ्ते बच्चे की जन्म के एक दो हफ्ते मसाज इसलिए करना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इस एज तक बच्चे की नाभी पूरी तरह से सही नहीं होती है यानी कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो उसकी जो नाभी होती है उसमें क्लिप लगी होती है और वो अपने आप झड़ जाती है जिसको सही होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं इसलिए नॉर्मली छोटे बच्चा जब हमारा 10 से 15 दिन का होता है तो उसको मसाज नहीं देनी चाहिए इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप बेबी की मसाज करें तो फ्रेंड्स आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कि बेबी के नाभि के चारों तरफ तेल ना लगे जी हाँ कम से कम दो दो अंगुल का फासला बेबी के नाभि के चारों तरफ रहना चाहिए वहाँ तक बेबी को मसाज ना दो और बेबी के नाभी के चारों तरफ किसी भी तरह का तेल ना लगा हो इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप बच्चे की नाभी झड़ने से पहले मसाज करते हैं तो आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान और भी रखना होता है कि बेबी को आप उल्टा लिटा के मसाज नहीं दो यानी कि हम जो बच्चे को पैरों पर पे रख के उल्टा रख के मसाज देते हैं वो जब तक बेबी की नाभि पूरी तरह सही ना हो जाए तब तक हमें बच्चे की उल्टा पटक के भी मालिश नहीं करनी चाहिए इसके अलावा हमें कुछ चीज़ों का ध्यान और रखना होता है जब हमारा बच्चा तीस से कम दिन का हो यानी कि एक महीने से छोटा हो तो उसको रगड़ रगड़ के मसाज नहीं देनी चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है सॉफ्ट होता है और कई लोगों को मसाज देने का इतना आ, सजेस्ट करते हैं कई लोग कि बच्चे की टाइटली रगड़ रगड़ के मसाज करो ताकि इसका सारा कचरा हट जाएगा इसके बाल हट जाएंगे लेकिन फ्रेंड्स आपको इन सब बातों में नहीं आना चाहिए और आपको बच्चे को बिल्कुल हल्के हाथों से तेल लगाना चाहिए इतनी छोटी एज में कम से कम 40 दिन से छोटे बच्चों को ज़्यादा रगड़ रगड़ के मसाज कभी नहीं देनी चाहिए इसके अलावा बच्चे के बाल कम करने के चक्कर में आपको बच्चे की स्किन को बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं रगड़ना चाहिए क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत ही सॉफ्ट होता है और कई बार तो आपने देखा है कि बच्चे की कॉलर बॉन तक कई लोगों की वहाँ से खिसक जाती है जो कि बच्चे को टाइटली हैंड से मसाज देते हैं इसलिए आप ध्यान रखें जितना छोटा आपका बच्चा है उसको उतना ही सॉफ्ट हैंड से आप मसाज दें फ्रेंड्स अब मैं बात करूँ ऑयल की तो बहुत सारे ऑयल ऐसे हैं जिनसे आप बच्चे को मसाज दे सकती हैं लेकिन इनमें से कुछ एक ऑयल हैं जैसे कि ये फिगारो का ऑयल आता है प्योर वर्जिन ऑयल आता है ऑलिव ऑयल इससे आप बच्चे की मसाज दे सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वैसे आजकल बहुत मिलावट आ रही है लेकिन फिर भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप मस्टर्ड यानी कि सरसों के तेल से भी बच्चे की मसाज कर सकते हैं स्पेशली विंटर्स में यानी कि सर्दियों में इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में आपका बेबी बॉर्न हुआ है तो आप बच्चे की तिली के तेल से भी मसाज कर सकते हैं बाकी फ्रेंड्स मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो किया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने बताया कि अगर आपका बच्चा विंटर्स में है या समर में है तो आपको कौन से तेल से बच्चे की मसाज करनी चाहिए तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ एक ऑयल्स हैं इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकती हैं यानी कि नारियल का तेल भी छोटे बच्चे की मसाज देने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है तो फ्रेंड्स आप अगर बच्चे की मसाज दें तो आप ध्यान रखें चालीस दिन से छोटे बच्चे की मसाज आप रगड़ रगड़ के नहीं दें इसके अलावा अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि हम बच्चे की मसाज कब तक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपका बच्चा जब 40 दिन से बड़ा हो जाए तो आप बच्चे की अच्छे से मसाज कर सकते हैं और हाँ अगर सर्दियों के दिन हैं तो आप बच्चे की धूप में भी मसाज कर सकते हैं बस आप ध्यान रखें कि वहाँ ठंडी हवा ना हो और अच्छे से धूप में आप मसाज दे सकते हैं इसके अलावा आप बच्चे की दिन में दो बार मसाज करेंगे तो इसके रिज़ल्ट यानी कि इसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे कम से कम एक से डेढ़ साल तक बच्चे की दिन में दो बार मालिश करनी चाहिए इससे बच्चे की बोन्स बहुत ही स्ट्रांग होती हैं बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है ब्लड सर्कुलेशन बच्चे की बॉडी में अच्छा होता है और बच्चे को बीमारियों से लड़ने की यानी कि उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है इसलिए हम बच्चे की मसाज कम से कम एक से डेढ़ साल तक हमें करने की सलाह दी जाती है फ्रेंड्स इसके अलावा बच्चे की मसाज कब तक करें इसका कोई प्रॉपर पैमाना या टाइम नहीं होता जब आपका बच्चा एक से डेढ़ साल का हो जाता है तो वो खुद ही एक जगह स्टेबल नहीं रहता है और वो मसाज नहीं करवाता है तो इस केस में जब आपका बच्चा एकदम एक्टिव हो जाए और वो मसाज नहीं करवाए तो आपको बच्चे की टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि कभी जैसे कि आपका बच्चा थोड़ी देर आपके पास बैठ रहा है तो आपको बच्चों की हैंड की मसाज दे सकते हैं बच्चे की पैरों की मसाज दे सकते हैं और बच्चे को सुलाते टाइम आप उसके बालों की मसाज कर सकते हैं इस तरह से डेढ़ साल बाद आप बच्चे की मसाज दे सकते हैं बाकी छोटे बच्चे की तरह बच्चा एक जगह नहीं बैठता है इसलिए डेढ़ साल बाद बच्चे की मसाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन कुछ बच्चे शांत होते हैं वो मसाज करवाते हैं तो आप उनकी तीन साल तक मसाज कर सकती हैं क्योंकि इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है और ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है तो फ्रेंड्स आप बेबी की मसाज जब बच्चा नया हो यानी कि पाँच से दस दिन का हो जाए या बीस पच्चीस दिन का हो जाए उसके बाद ही शुरू करें और इसके अलावा जब तक आपका बच्चा मसाज करवाता है तब तक आप बच्चे को आराम से मसाज दे सकती हैं इसके अलावा फ्रेंड्स आप जब बच्चे की मसाज करें तो आप ध्यान रखें कि प्रॉपर वे में ही आप बच्चे की मसाज करें यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको बच्चे की मसाज बिल्कुल ढंग से करनी है ये नहीं कि आपको बच्चे की मसाज करने का तरीका पता नहीं हो और आप बच्चे के हाथ पैरों को रगड़ रही हो फ्रेंड्स आपके घर में अगर किसी ने बच्चे की मसाज की हो या फिर आप डॉक्टर से भी एक बार इसके बारे में सलाह ले सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से आप इसके बारे में जान सकती हैं कि बच्चे की मसाज किस तरह से की जाए तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने बच्चे की मसाज कर सकती हैं और अगर आपको इसके अलावा भी बेबी मसाज को लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नई वीडियो के साथ टिल देन बाय -बा�